तो भीड़ लोग का सब आप सभी लोग को मैं हूँ रॉबिन और ये मेरा घर और ये मेरा स्विमिंग पूल। हे रॉबिन भैया, आज हम कहाँ जाएंगे? ओ योगी, आज हमको टिप्सन दादा से मिलने जाना है। अरे पता नहीं आज टिप्सन हमें कुछ काम बताने वाला है, उसका फोन आया था। मैं जल्दी से नहा लेता हूँ योगी, जब तक तू भी नहा ले और फ्री हो जाओ और अपनी गाड़ी को निकाल यार। अरे मैं नहा के फ्री हो जाता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं। और जैक किधर है तू? और जैक जल्दी आ जा यार, लेट हो रहा है अपन को। तू ना मुझे उठाया नहीं, ओए मुन्ना मैं रेडी हो गया हूँ। अरे रॉबिन भैया चीर देंगे, फाड़ देंगे, डाकट की कर देंगे। जैक फौजी ऑलवेज रेडी टू गो। अरे आगे जल्दी जल्दी बैठ जाओ रे, मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी बैठो यार। अरे बाबा मेरी गाड़ी के अंदर तो बहुत ही फुल भरा है पेट्रोल, अरे इसको थोड़ा तेज चलाना पड़ेगा रे बाबा। अरे ओके धक्का लगाओ यार। अरे तुम बैठोगे क्या? नहीं कोई बात नहीं, हम पहुँचने वाले हैं टिप्सन दादा के पास। अरे इस ट्रक का मेरे सामने अभी आना था, इसकी डाक टिकी करेंगे वापस आके। अभी तो मैं लेट हो रहा हूँ आगे, फिर इसका याद रखना डाक टिकी करनी है। हे रॉबिन भैया जल्दी चलो यार, टिप्सन दादा ने हमें जल्दी बुलाया, आज तो उनकी फ्लाइट भी है, तो वो यहाँ से कहीं बाहर जाने वाले हैं, विदेश या घूमने जा रहे हैं शायद। ओए मुन्ना तुझे इतना सब कुछ कैसे पता है? ओए मुन्ना तू टिप्सन का सेक्रेटरी है क्या? ओए मुन्ना हम टिप्सन दादा के पास पहुँच गए। टिप्सन मैं आ गया, क्या हुआ जल्दी बताओ। अरे छोटे तुझसे एक बहुत जरूरी काम था यार, मैं थोड़ा 10 दिन के लिए रॉबिन वेस्टाउन से बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि यार मुझे एक बहुत ही जरूरी काम आ गया है। तब तक तू मेरे घर पर रह ले और मेरे बेटे का ध्यान रखना, वो बहुत ही ज्यादा मस्ती करते हैं, और तुम दोनों आराम से रहना, क्या बोलते हो? तू रह लेगा ना मेरे बेटे के साथ, ध्यान रख लेगा उसका? अरे हाँ हाँ टिप्सन दादा, मैं आपके बेटे का ध्यान रख लूंगा और इस रॉबिन वेस्टाउन का भी मैं ध्यान रख लूंगा। चलो ठीक है टिप्सन दादा, अब मैं चलता हूँ यार, बहुत लेट हो रहा हूँ आज। अरे रुक जा गाड़ी हटा रहा हूँ सामने से, थोड़ा सबर तो कर मेरे यार। हे रॉबिन भैया, ये हमारे टिप्सन दादा का घर किधर है यार? मैं अपना सामान पैक कर लेता हूँ यार। ओए मुन्ना ये रॉबिन भैया पागल हो गए, ओए मुन्ना ये जंप करने वाले है अपनी गाड़ी को लेके, ओए मुन्ना अब तो गए हम। ओए मुन्ना मुझे तो लग रहा है टिप्सन दादा के घर कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। ओए मुन्ना हम समुंदर में जा रहे हैं, ओए बच गया मुन्ना, ओए बच गया। अभी तो ये रॉबिन भैया हमको समुंदर के अंदर लेके चल जाते है। अरे रॉबिन भैया क्या हो गया, ऐसे कैसे गाड़ी चला रहे हो आप? अरे यार जय यार, मैं तो गाड़ी ऐसे चलाता हूँ यार, मैं एकदम प्रो हूँ ना यार। अरे यहाँ का रॉ पी रहा हूँ यार, इसलिए बहुत ही बढ़िया पावर है मेरे अंदर। तो चलो यार होगी, और जैक तुम दोनों को टिप्सन का घर दिखाता हूँ मैं, बस आने ही वाला है। अरे तुम आराम से बैठ जाओ बस, अरे ज़्यादा उछलो मत यार, नहीं मेरी गाड़ी नीचे गिर जाएगी इस पानी के अंदर, फिर हम लोग यहीं डूब जाएंगे यार गज। और गज यार ये रहा वो गेट, जहाँ से हमें टिप्सन दादा का घर दिखने लग गया, वो रहा गज टिप्सन दादा का घर हमें दिख गया, तो गज सर हम बस पहुँचने ही वाले हैं। अरे रॉबिन भैया हम कितनी देर में पहुंचेंगे? अरे दिख गया मेरे को भी यार। अरे रॉबिन भैया वो रहा हमारे टिप्सन दादा का घर, हम यहीं पे अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं और उनके बेटे का ध्यान रखने के लिए जल्दी से उस घर में चलते हैं। चलो अभी जल्दी चलो। अरे फिर भैया जल्दी आगे आगे चलिए यार, हम आपके द्वारा पीछे पीछे आएंगे। अरे वह टिप्सन का घर तो बहुत ही डरावना लग रहा है भैया बाहर से तो यार। ये भैया यार ये टिप्सन का लड़का लग रहा है मुझे। अरे तुम टिप्सन के बेटे हो क्या? अरे तुम तो बहुत ही क्यूट हो यार। अरे गिली गिली गिली, अरे तुमको भूख लगी है क्या? चलो तुम्हारे लिए दो, अरे तुम तो गिर गए यार। ओए मुन्ना पागल हो गया है क्या? ओए मुन्ना तूने उसको गिरा क्यों दिया, उसके लग गई ना। ओए मुन्ना चल जल्दी जा इसके लिए खाना लेके आ, इसको बहुत जोर से भूख लगी है। ओए मुन्ना ये तुझे घूर क्यों रहा है? ओए मुन्ना मुझे तो लग रहा है तुझे ही खा जाएगा। ओए मुन्ना जल्दी इसको इसको खाना खिला दो, नहीं तो ये बहुत ही गुस्से में है। ओए मुन्ना देख इसको कितना गुस्सा आ रहा है। अरे चुपचाप बैठ जा, ये ले ब्रेड खा। अरे खाना, ओए इसको तो बहुत गुस्सा आ रहा होगी। ओए इसको ब्रेड मत दे होगी, इसको बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे ओके इसको दूध दे दूध, ये ब्रेड नहीं खाता, ये छोटा बच्चा है यार, तुझे इतनी भी अक्ल नहीं है क्या? ओके और ये ले छोटे बच्चे है दूध पी ले, और तेरे पापा टिप्सन ने हमको भेजा तेरा ध्यान रखने के लिए। अरे इसको तो पॉटी लग गई, और जल्दी जल्दी वॉशरूम में चलो। अरे यार रुक जा अभी तो उसका डायपर भी चेंज करना पड़ेगा होगी। और ओके तो उसका डायपर चेंज कर दे। भैया मैं तो कहीं इसका डायपर चेंज नहीं करने वाला। हे भैया आपका ही करना होगा यार, मेरे को तो बहुत ही बदबू आ रही है इसके कपड़ों से। हे भैया यार तो इसको वॉशरूम करवा देते हैं पहले,
अरे यार ये तो कर ही नहीं रहा। ए बैच चलो यार इसका डायपर चेंज करना। ओए मुन्ना तूने फिर से गिरा दिया इसको। ओए मुन्ना बेचारे को कितनी बार गिराएगा। ओए मुन्ना अब रुक मैं इसका डायपर चेंज करता हूँ, जल्दी से जल्दी इसको टेबल के ऊपर बिठा दे। ओए मुन्ना कितना करेगा। ओए मुन्ना जल्दी इसको बिठा यार, लेट हो रहा है हमको। अरे यार तूने फिर से गिरा दिया मुन्ना। आ मुन्ना तू एक भी काम ढंग का नहीं कर सकता क्या। आ मुन्ना तुझे भी मैं ऐसे गिराऊंगा, जल्दी जल्दी टेबल पे बिठा इसको। अरे तू पागल हो गया क्या। अरे टेबल पे बिठाना है, इस पे नहीं बिठाना। अरे यार ये पागल हो गया होगी तू आज। अरे हाँ यहाँ पे बिठा। हे भैया यार मैंने नहीं गिराया, ये खुद ही गिर रहा है बार बार। अरे बच्चे तू मुझे घूर क्यों रहा है यार, अभी रखते को डायपर पहना तो। अरे है भैया कहाँ गया बच्चा कहाँ गया। हे भैया वो तो गायब हो गया यार। हे भैया मुझे तो लग रहा है ये बहुत ही पागल और भूत है। हे भैया ये भूतिया बच्चा है यार, ये टिप्स तेरा भूतिया बच्चा इधर उधर घूमता रहता है, कभी गायब हो जाता है कभी कहाँ चल जाता है। हे भैया मुझे तो लग रहा है ये उड़ भी सकता है। हे भैया चलो यार इसको इसके रूम में सुला देते हैं। अरे भैया यार इसने तो गेट ही बंद कर दिया। हे भैया यार इसे नहीं सोना लगता है। हे भैया चलो इसको नीचे रखना पड़ेगा। अरे रो फिर भैया कहाँ गए यार अब, हमें तो बहुत डर लग रहा है। ये टिप्सन का भूतिया बच्चा पता नहीं क्या क्या कर रहा है यहाँ पे, एकदम से गायब हो जाता है, कभी कहाँ जाता है कभी कहाँ जाता है। अरे योगी अब मैं ध्यान रखूंगा इसका। अरे ओए जैक जल्दी जा और इसके लिए बहुत सारे डायपर लेके आ और दूध भी लेके आना। अरे मैं इसको क्या खिलाऊं यार, दूध तो खत्म हो गया हमारे फ्रिज में तो है ही नहीं। और योगी तू जल्दी जाके दूध लेके आ, फिर इसको मैं बटर खिला देता हूँ। अरे ये बटर वाला चीज बहुत अच्छा लगेगा इसको, छोटे बच्चे बहुत ज्यादा खाते है। चलो चलो जल्दी चलो। अरे कहाँ गए तुम टिप्सन के बेटे। ओए मुन्ना इस भूतिया बच्चे का सबक सिखाना ही पड़ेगा, ये तो गायब हो जाता है पता नहीं बैठे बैठे उड़ के कहाँ चला जाता है। ओए मुन्ना मुझे तो लग रहा है ये टिप्सन से इसने कुछ सीखा है, और टिप्सन भी पता नहीं एक पागल ही है। और ये क्या हुआ अभी, और ये जादू कर रहा है। ओए छोटे बच्चे तुझे जादू किसने सिखाया, जल्दी बोल जल्दी बता किसने सिखाया। टिप्सन ने सिखाया है क्या तेरे को जादू। अभी रुक अभी हमारे रोपीरा भैया को बुला के लेके आता हूँ। अरे रोपीरा भैया जल्दी आइए यार। अरे होगी थोड़ी देर की बात है, ये लो टिप्सन भी आ गया। अरे टिप्सन अब तुम तुम्हारे बच्चे को संभालो यार, हम तो बहुत ही लेट हो रहे हैं, अब तो हम तीनों जा रहे हैं घर पे। चलो होगी और जेक अब हम निकलते हैं। अरे टिप्सन अब हम जा रहे हैं ठीक है ना, तू ध्यान रखना। ओके बच्चे बाय बाय, मिलते हैं फिर कभी आएंगे। अरे रो फिर भैया मैं तो कभी नहीं आने वाला। हे जेक भैया आप ही आना, मेरे को तो इससे बहुत डर लग रहा है, ये भूतिया बच्चे पता नहीं क्या क्या करते हैं, कभी तो खुद ही उड़ते हैं कभी चीजें उड़ाते हैं। अरे यहाँ पे सारा सब कुछ लॉक कैसे है। चलो यार अब मैं अपने घर पे चलते हैं। अरे रो फिर भैया आप भी अपने घर चले जाओ, मैं अपने घर पे चला जाऊंगा। अरे गाइस अब हम अपनी गाड़ी को यहीं पे खड़ी कर देते हैं और फिर जल्दी से जल्दी सो जाते हैं क्योंकि रात बहुत हो गई है। अरे ये लोग कौन है, ये तो मुझे लग रहा है ये छोटे से बच्चे ने किया है, वो भूतिया बच्चा हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। उसने पता नहीं अपने लोगों को भेज दिया हमें पकड़ने के लिए, लेकिन हमने तो उसका कुछ बिगाड़ा ही नहीं था यार। लेकिन मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, इन्होंने हमको बहुत परेशान किया है। अभी रुक अभी रो फिर की पावर तुम्हें दिखानी पड़ेगी। ओ ये लो एक एक को मारूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। चलो यार अब मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, कल आना तुम लोग। चलो यार गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना गाइस।